दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक ऐसे मशहूर डायरेक्टर की कि जिस मूवी को उन्होंने डायरेक्ट करा वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो गई और उनका नाम है जाने माने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। दोस्तों आज बात करते हैं सिद्धार्थ आनंद की कि वो उनकी पांच कौन सी डायरेक्ट करी हुई पांच बेस्ट मूवी हैं जिनकी वजह से वो बॉलीवुड में एक सुपरस्टार के तौर पे पॉपुलर हो पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी पहली मूवी की जो उन्होंने डायरेक्ट करी, तो उस मूवी का नाम है सलाम नमस्ते, जिसमें इनकी जो स्टार कास्ट थी सैफ अली खान और प्रीति जिंटा स्टारर मूवी दिए और इस मूवी को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्ट करा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई और एज ए डायरेक्टर डेब्यू भी इनकी पहली मूवी थी और इस तरह से कहा जाए तो इनका बॉलीवुड में पहली मूवी से ही सिक्का जम गया। अब हम इनकी दूसरी मूवी की बात करें तो वो है अनजाना अनजानी, जिसमें इनके को स्टार थे रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई और इनके काम की चारों तरफ डायरेक्शन की चारों तरफ तारीफ हुई। अब हम इनकी तीसरी मूवी की बात करें तो वो है बैंग बैंग, जिसमें सुपरस्टार ऋतिक रोशन कैटरीना कैफ और डैनी इस मूवी में मेन लीड रोल में थे और इस मूवी को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्ट किया और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो पाई। अब हम इनके करियर की चौथी मूवी की हम बात करें तो वो है वार, जिसको इन्होंने डायरेक्ट करा और इस मूवी में इनकी स्टार कास्ट थी ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ वाणी कपूर आशुतोष राणा और इस मूवी को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्शन करा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो पाई और ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का करियर भी इस मूवी के साथ एक बहुत अगर कहा जाए कि अच्छी तरह से आगे बढ़ गया तो गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि करियर की पांचवी मूवी की जिस मूवी की वजह से ये बॉलीवुड में एक सुपरस्टार के तौर पे या सुपरस्टार डायरेक्टर के तौर पे पॉपुलर हो पाए हैं, तो उस मूवी का नाम है पठान और इस मूवी में इनकी स्टार कास्ट थी सुपरस्टार शाहरुख खान दीपिका पादुकोण जॉन अब्राहम आशुतोष राणा डिंपल कवाड़िया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा कलेक्शन कर पाई ये मूवी और बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो पाई और इस मूवी को एक ब्लॉकबस्टर मूवी के रूप में देखा गया है। और इस तरह से आज हमने सिद्धार्थ आनंद की पांच मूवियों का एनालाइज किया, जिस मूवी को उन्होंने डायरेक्ट करा और इस तरह से इनके बारे में आज हमने एनालाइज किया। तो दोस्तों आपको इनके बारे में जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह की रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।